हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय वीडियोस ऑन साइंस फॉर क्लास 9th ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी बुक के चैप्टर नंबर 1, जिसका की टाइटल है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो इस चैप्टर के जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ उसका टाइटल है स्टेट्स ऑफ मैटर, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो इस टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, उनको मैं प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। तो आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। कैन मैटर चेंज इस स्टेट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि मैटर 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब क्या मैटर अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकता है? क्या सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है? जैसे कि मैटर गैस से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है? तो ये देखने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर इज ए एग्जांपल ऑफ मैटर, और वाटर भी 3 स्टेट्स में हमें मिलता है, सॉलिड जैसे कि आइस, लिक्विड जो कि हम जानते हैं जो हमारा वाटर होता है, और गैस जो कि वाटर वेपर्स होते हैं, जिसको कि हम भाप भी कहते हैं। तो अब क्या वाटर सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, या कोई भी मैटर में ये चेंजेस जब होते हैं, तो अब हमको क्या, एक हमारे दिमाग में क्या सवाल आते हैं, वो ये होते हैं कि जब मैटर अपनी स्टेट्स को चेंज करता है तो मैटर के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस किस तरह से होते हैं। तो इनको स्टडी करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट है मेल्टिंग ऑफ आइस का। तो आप देखते हो कि यहाँ पे हमने एक सिस्टम लिया हुआ है, जिसमें कि एक बीकर है, बीकर में हमने आइस क्यूब्स को रखा हुआ है, और इसमें हमने एक थर्मामीटर लगाया हुआ है। हम इस बीकर को एक बर्नर के ऊपर रख देते हैं, और बर्नर से हम इस बीकर को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। बर्नर को जला दिया और बर्नर से हम इस बीकर को हीट अप कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या चेंजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट विल हैपन, जो सॉलिड है यानी कि जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जैसे जैसे हम सॉलिड यानी कि जो आइस क्यूब्स हैं उनके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आइस क्यूब्स के जो पार्टिकल्स हैं यानी कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने से सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत तेजी के साथ वाइब्रेट करने लगते हैं, और जो हीट हम उसको दे रहे हैं वो उन पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ देती है, उसको ओवरकम कर देती है। जब पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है तो वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं और बहुत फ्रीली मूव करने लग जाते हैं, और ये वो स्टेज होती है जब सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड यानी के वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब फ्रेंड्स, यहां पे हमारे सामने एक फिनोमेना आता है, और वो है मेल्टिंग पॉइंट, जब सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? इट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच इस सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसमें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो नॉर्मल प्रेशर है उस पर कोई भी सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आइस के लिए ये मेल्टिंग पॉइंट 273.15 केल्विन है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब यहां पे हम एक ऑब्जर्वेशन और करते हैं, ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ये ऑब्जर्वेशन क्या है? दैट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच टिल द आइस मेल्ट्स, इवन इफ वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर और गो ऑन सप्लाइंग द हीट। यानी कि अगर हमारी जो आइस है वो मेल्ट भी कर गई है और उसके बाद भी हम बीकर को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तब भी जो हमने टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर लगाया है
उसमें तो टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, टेम्परेचर तो उतना का उतना ही है, जबकि हीट देने पर तो टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए था। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? What is the reason? Reason is the heat is used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. जो हीट हम अपने सिस्टम को दे रहे हैं, उस हीट ने क्या काम किया कि वो जो आइस क्यूब्स के बीच के जो पार्टिकल्स हैं, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको तोड़ने के ही काम आई। तो वो हीट सारी की सारी किस चीज में अब्सॉर्ब हो गई? वो जो हीट एनर्जी हमने दी, वो सारी की सारी किस चीज में अब्सॉर्ब हो गई? उस आइस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने के काम हो गई, और उन आइस क्यूब्स के बीच में वो कहीं छिप गई, वो हिडन हो गई। और जो हिडन एनर्जी होती है उसको हम लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। तो छुपी हुई हीट है, उसने टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया, बल्कि उस हीट एनर्जी ने उन आइस क्यूब्स के पार्टिकल्स को तोड़ने का काम किया, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं दी, और जब दिखाई नहीं दी तो हम उसको हिडन यानी कि लेटेंट हीट का नाम देते हैं। तो यहां पे एक और फिनोमेना आता है लेटेंट हीट का। व्हाट इज लेटेंट हीट? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि वो हीट एनर्जी जो कि 1 kg किसी भी सॉलिड को, नॉट ओनली वॉटर बट किसी भी सॉलिड को, 1 kg किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उस एनर्जी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। चलिए, अभी हमने अपने टेम्परेचर को कम नहीं किया है, हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो अब क्या होगा? जो लिक्विड यानी कि जो वाटर है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा कैसे हो रहा है कि जब हम वाटर को हीट एनर्जी दिए चले जा रहे हैं तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो भी और तेजी के साथ में मूव करने लग गए, और एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर आएगा जिस पर कि जो पार्टिकल्स हैं उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ देंगे और बहुत तेजी के साथ में मूव करने लग जाएंगे। और वो स्टेज क्या होगी? वो स्टेज वो होगी जिसमें कि जो लिक्विड है यानी कि जो वाटर है उसके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो गैस में कन्वर्ट यानी कि वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहां पे हमारे सामने एक और फिनोमेना आता है मेल्टिंग पॉइंट और लेटेंट हीट के बाद में, और वो है बॉइलिंग पॉइंट। नाउ व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि नॉर्मल प्रेशर पर कोई भी जो लिक्विड है वो बॉइल करना स्टार्ट कर देता है। वाटर के लिए ये टेम्परेचर 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिए फ्रेंड्स, एक चीज और हम देखते हैं, और वो ये है दैट द पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। कि जो वाटर वेपर्स यानी कि जो भाप होती है, जो उसमें वाटर के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी होती है, जो बॉइलिंग वाटर है वो इतना गर्म नहीं लगता हमें जितने कि वाटर वेपर्स लगते हैं। यानी कि एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि जब हमारे घर में चपाती या रोटी बनती है, जब फूल जाती है तो क्यों फूल जाती है? क्योंकि उसके अंदर वाटर वेपर्स भर जाते हैं, वो रोटी को फुला देते हैं। अगर वो चपाती कहीं से फट जाए और वो वाटर वेपर्स यानी कि जो भाप है वो हमारे हाथ में लग जाए तो हमारे हाथ को बहुत बुरी तरह जला देती है। लेकिन अगर उतने ही टेम्परेचर पर हमारा हाथ पानी के अंदर चला जाए तो हमारे हाथ को इतना नुकसान नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भाप है, जो स्टीम है, उसने बहुत सारी एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। और वो कौन सी एक्स्ट्रा एनर्जी है? वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि उसके अंदर लेटेंट हीट है, छिपी हुई हीट है जो कि ज्यादा एनर्जी रखती है, जिसके कारण से हमारा हाथ जल जाता है। ओके, नाउ वी मूव अहेड। सो फ्रेंड्स, हमने ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में देखा जो कि अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर हम उनको हीट प्रोवाइड कराते हैं तो। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर वैसे वर्षा होता है कि
कि गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। तो वो क्या फिनोमेना होता है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। नाउ ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि जब कोई भी सॉलिड बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम नेफ्थलीन बॉल्स की या कैम्फर की बात करते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स हमारे घरों में यूज होती हैं और कैम्फर यानी कि जो कपूर होता है उसको भी हम घरों में अक्सर पूजा के टाइम पे यूज करते हैं, वैसे भी हम यूज करते हैं उसको। तो ये सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम इसको ओपन एयर में रख देंगे तो ये कहते हैं कि कपूर उड़ गया है, या हम कहते हैं कि जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं उड़ गई हैं। उड़ के कहाँ गई? उड़ के कहीं नहीं गई, उनकी गैस बन गई। वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गए बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। ये एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। इसका उल्टा भी होता है, यानी कि जब कोई भी लिक्विड कोई भी जो गैस है वो बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम डिपोजिशन कहते हैं। यानी कि जो गैस है वो सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो गई विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट। और इसका एग्जाम्पल है वाटर वेपर्स टर्न इनटू द स्नोफ्लेक। यानी कि जब हम हिल्स पर होते हैं तो हिल्स पर बहुत हाइट पर चले जाते हैं तो वहां पे वाटर वेपर्स होती हैं, और जब बहुत ठंड बढ़ जाती है तो वाटर वेपर स्नो में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसको कहते हैं स्नो फॉल हो रहा है। तो वो जो वाटर वेपर्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई बल्कि वो डायरेक्टली स्नो में कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ में मैंने जो डिस्कशन किया वो ये है कि क्या जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। स्टेट को चेंज करने में मैटर के अंदर और मैटर के पार्टिकल्स के अंदर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और ये जो चेंजेस हैं इनको हम किस तरह से समझ सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि जो ये क्या सीधे सीधे कोई भी सब्सटेंस वाटर से या सॉलिड से सीधे सीधे गैस में जा सकता है, या गैस से सीधे सीधे सॉलिड में आ सकता है। तो इस प्रोसेस को भी हमने डिस्कस किया। आगे की जो आपके टॉपिक्स हैं उनको मैं कमिंग वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।